हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। जो भी स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा एक स्कीम है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है आपको 1 से 10 तक की एजुकेशन के लिए। एलिजिबिलिटी सिंपल से है कि आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स आपको लाना है और जो पेरेंट्स का इनकम होगा वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है, ठीक है। कैसे क्या कितना मिलेगा आइए बताता हूँ मैं आपको। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहाँ करना है वो मैं बता देता हूँ। ड्यूरेशन क्या होगा, द स्कॉलरशिप शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द इंटायर कोर्स, मेंटेनेंस अलाउंस विल बी गिवन एज फिक्स्ड लंप सम अमाउंट इन एकेडमिक ईयर एज पर पारा 9 बिलो फॉर 2017-18-19-20। मतलब कहने का सिंपल सा है कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक मिलेगा और मेंटेनेंस अलाउंस भी आपको मिलेगा लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्कॉलरशिप में देखूँ तो एडमिशन फी फॉर क्लास 6 to 10 ₹500 पर एनम, सब्जेक्ट टू एक्चुअल्स बोथ हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर दोनों के लिए, ठीक है। प्लस ट्यूशन फी फॉर 6 to 10 350 पर मंथ, सब्जेक्ट टू एक्चुअल्स बोथ हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर दोनों के लिए। फॉर 1 to 5 ₹100 पर मंथ फॉर डे स्कॉलर एंड फॉर 6 to 10 ₹600 पर मंथ फॉर हॉस्टलर एंड ₹100 पर मंथ फॉर स्कॉलर, ठीक है। फॉर 10 months इन एकेडमिक ईयर, और आपको ये जितना मिलेगा ये जो आपको बताया अभी मैंने आपको ये सिर्फ 10 ही महीने मिलेंगे हर साल में, 2 महीने की छुट्टी होती है उसके नहीं मिलेगी, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो हमारे आपकी जानकारी के लिए स्टेट वो उसको देखेगा। कंडीशन आपको यहाँ पर देखना मिल रहा है, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टडिंग इन क्लासेस 1 to 10। पहला माइनॉरिटी कम्युनिटी से, दूसरा 1 से 10 में तक होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बेस होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ होगा। ए सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट हु हैज अटेंड 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर 18 साल से ज़्यादा हो गया तो सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट उसको लगाना होगा, ठीक है। ऐसे बहुत कम ऐसे केस होंगे लेकिन अगर कोई होगा तो उनके लिए। कंटिन्यूंस ऑफ अवार्ड फॉर रिन्यूअल एप्लीकेंट्स विल सब्जेक्ट टू सिक्योरिंग 50%। रिन्यूअल के समय आपको 50% मार्क्स दिखाने पड़ेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट में। मेंटेनेंस अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड टू हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर दोनों को मिलेगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। ये सब पढ़ने के लिए मैं आपको ये जो पूरा आपको गाइडलाइन मिल रहा है इसको मैं matrixexpert.in की वेबसाइट पर डाल दूंगा और उसका जो लिंक है नीचे इस वीडियो को डाल दूंगा। और दूसरी बात, एक एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव करके एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, आगे चल के ऐसे जितने भी स्कॉलरशिप से और भी कई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और सरकार तरफ से स्कीम्स आते रहते हैं तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिटेल में वीडियो की ज़रूरत होगी तो वो भी हम बनाएंगे। लेकिन जैसे अब ये PDF आपके मन में आएगा मुझे कैसे मिलेगा, तो वहाँ ग्रुप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर इजीली आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बताया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। और अब आते हैं अप्लाई कहाँ करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको scholarship.gov.in पे आना है। इसका लिंक भी मैं उसी वेबसाइट पे जो लिंक नीचे दूंगा उसी में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। अभी 30/11 से स्टार्ट होने वाला है इस वर्ष, अगले वर्ष भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसी लमसम के आसपास स्टार्ट होता है, तो ये हर वर्ष आता है, ठीक है। 15/12 तक चलेगा और अभी शुरू होने में है 2 दिन। तो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डिटेल्स है वो आप इकट्ठा कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, मुबारकबाद कि आपका ये सिलेक्शन हो जाए और आप इस स्कॉलरशिप को लेने लगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स के क्लब में हमें शामिल कराएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।